Now I would like to call the next one. Okay, Mr. Anwar Saab, please come on the stage. Please put hands together for Anwar Saab. That's amazing. Come on, everybody. Hello, everyone. लाइफ क्या है और ज़िंदगी क्या है और जीवन क्या है, ये आप सबको पता होगा। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। ज़िंदगी हमें कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, और जो ज़िंदगी के साथ हमेशा मुस्कुराते हैं, ज़िंदगी उनके आगे झुक जाती है। थैंक यू वेरी मच। Life is beautiful. Life is rosy. First chance and the stage you support and आप सब अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचिए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और लाइफ में जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि लाइफ एक बार मिलती है और उसको बहुत अच्छे से सजाइए, और जब आपकी एज हो जाती है तब आपको रियलाइज़ होता है कि हमने पीछे क्या गलती की है क्या नहीं की है। सबसे पहले अपने फैमिली और अपने माँ बाप और अपने अपने उनको सपोर्ट कीजिए, मतलब ये ज़रूरी है, क्योंकि आज मेरी एज 48 का मैं हो चुका हूँ। तो जो मैंने सीखा है वो यही सीखा है कि सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने फैमिली के बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए। दिस माई ये मेरा बेटा है छोटा सबसे, और अब जब मैं बाप बना हूँ तो मुझे पता लगा है कि बच्चों को कैसे संवारना है। जब मैं छोटा था तो तब मैंने अपने घर वालों की नहीं सोची, अब वही चीज़ मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, भाई ये करो वो करो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी कुछ सोचिए अपने बारे में, और ज़िंदगी एक बार मिलती है। मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब मुझे एहसास होता है कि शायद आज वो होते तो मुझे कितनी खुशी होती, मैं क्या करता। तो दोस्तों मैं भी यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी अपनी फैमिली को खुश रखो, कैसे रह सकती है ये आप सोचिए, और सोचना भी चाहिए, और ये नहीं तो फिर कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। All right, that's great, that's amazing guys. So this was Anwar Saab थे। वो कहते हैं कि जहाँ हर वक्त हर सिचुएशन में हर एक स्थिति में मिलता है प्यार, वो होता है आपका परिवार, वो होता है आपका परिवार। All right, आप हमेशा रहते हैं, चाहे आप दिल्ली रहे चाहे मुंबई रहे, आपका परिवार हो गांव में, फिर भी आपका दिल रहता है हमेशा बेकरार। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर योर परिवार। इसलिए अनवर साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया दैट यू स्पोक अबाउट फैमिली। आपने परिवार के बारे में बोला, आपने फैमिली की उन इमोशंस के बारे में बोला जो हम सबको महसूस करना चाहिए। वी ऑल शुड फील एग्जैक्टली राइट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, एंड वी शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लव ऑफ द फैमिली। एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट। एंड आई वांट टू से दैट दिस इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमारे दिल में जो बातें बहुत बरसों से दबी हुई थी उसको आज हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपके सामने बयां कर रहे हैं, शब्दों के माध्यम से, अल्फाजों के माध्यम से, लफ्जों के माध्यम से, एंड इट्स क्वाइट एग्जैक्टली नाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ द नेक्स्ट परफॉर्मर आई वुड लाइक टू कॉल, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर दीपांशु, प्लीज कम ऑन स्टेज। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट प्लीज। I would like to thank Mr. Abdullah sir for giving me that opportunity to stand in front of you and talk about motivation. Motivation, what is motivation? Motivation is what you got from everyone, even a single person, even a child can give you a motivation. I would like to say that you are motivating your parents to use your phone, how to use that phone. They don't know about the use of cell phones, smartphones, but you are giving them motivation that you can use that. You are alarm. I will talk about Sir Ratan Tata. We know that Sir Ratan Tata is above the middle class family, and he has what he wants. His parents can complete his basic needs, but he was dedicated. He has a good faith. He can do everything. After having everything, he still study hard, work hard. And you all know that every single person of India know about the Sir Ratan Tata. Who is Ratan Tata? He helps poor. He plays an auspicious life in the poor people. And all I would take another example of great people. I am no, first of all, they don't need any description. We all know that he has known as the Master Blaster of India, Sir Sachin Tendulkar. You know what? He failed in 10th class in English subject. Sorry. Now, the first chapter of English literature in 10th class is related to
about his life. So exactly. what do you learn about that he is dedicated? He failed in 10th class in English subject, and now first chapter of English is related to Sir Sachin Tendulkar. That this is the motivation, this is the dedication every person needs. Good vibes, good positive mindset, or good faith in yours can lead to a greatness of life. Even if you have a positive mindset, you can say that in impossible, you can read it as I am possible, means I can do it. I have good faith in it. I have personality. I have attitude. I have aptitude. I can do everything. Exactly. Or at the end, I would like to say that believe in yourself, have good faith. All that, sir. Thank you for my side. All right, God bless you. Come on. Everybody, put your hands together for Mr. Deepanshu. Great speech about Mr. Ratan Tata and Sachin Tendulkar, exactly that he told about the inspiration, the motivation, and the god of the cricket and the god of the business that in India, right? So ladies and gentlemen, it's quite a special time for all of us that we are here, we are sharing our thoughts, our words, our shabda and our gyan, exactly. This is quite motivational for us. This is quite motivating for us. Don't play with me, right, Mr. Bailey? Okay, don't play with me, I will call you, right? Okay, so... क्या बोलते हैं भाई ओके क्या बोल रहे सो क्या बोल रहे इधर आ मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ ऑलराइट सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोटिवेशन द इंस्पिरेशन ऑलराइट वो कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है इट्स ओके नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और गिरकर चलना चढ़कर गिरना ना खरता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती वो कहते हैं कि जिंदगी में कभी तेरा सर दुखेगा कभी तेरा पैर दुखेगा ये मेरी खुद की लिखी हुई शायरी है कभी तेरा सर दुखेगा कभी तेरा पैर दुखेगा और अगर तू मेहनत इसी तरह से करता रहा तो एक दिन है पूरा जमाना तेरे आगे झुकेगा तेरे गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू एंड जस्ट आई एम गोना टॉक अबाउट स्ट्रगल वही द स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ स्ट्रगल पार्ट ऑफ सक्सेस स्ट्रगल एंड बिलीव दैट इमेजिन इट इफ यू got up everything which is you want every time no struggle no hard works no challenges and no you have never gone through anything that's strength you and yes. without struggle you can't achieve anything I know that very well I will try I will fail but I will rise then I will do And yes. I will do something special, yes. and it is non-matter. Then everybody will comment on us, and it's non-matter how many time I fail, and we should never stop our struggle, and we should never stop our struggle, and we should continue our struggle. And let me give example. Dr. V.R. Ambedkar, he did many much struggle in their life. Because they gave constitutions of India. Everybody follow that rules. Everybody follow this constitutions. And you can achieve everything. The first of all, if you understand the value of struggle. Yes. Value of struggle. I'm a teacher. I'm doing also much and more struggle in my life. Yes, exactly. And I live in Bhavana. My dear friend, do you know what is the distance of Bhavana? Then it's distance of 50 kilometers. And it takes time, 2 hours to come here. I am struggling and much and more. Yeah. And my dear friend, do you know when the butterfly comes in the cocoon, then it comes outside itself because it knows that why the power of struggle and my dear friend I know that struggle has pain struggle have ups and down but yes. struggle has ups and down but yes come on and but one time struggle will provide everything which is you want in your life yes. so continue struggle
and do something special in whole world. And world, believe you on yourself. You are capable. Recognize yourself and do something special in the world. I want to dedicate one shayari. Jindagi ka shauk pala nahi jata. जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, मेहनत से समर्थी है जिंदगी, मेहनत से समर्थी है जिंदगी, हर काम तकदीर में टाला जाता है. माय डियर फ्रेंड, एंड वी नीड टू ऑब्जर्व इट एंड बिलीव योरसेल्फ एंड डू समथिंग स्पेशल. दैट्स इट. ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज क्वाइट स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज यू नो दैट तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जला के भस्म कर इसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध का मशाल है. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. ये जो तू सिलिपटी बेड़ियां समझ ले इनको वस्त्र, तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले अपने शस्त्र. तू तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश. So guys, the time is waiting for you. The destination is waiting for you. The goal is waiting for you. The target is waiting for you. Oh my God, mic is falling. It happens. होता है बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी. Exactly, जो गिरता है वही उठता है और बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं. Nice, thank you so much. That's amazing guys, ladies and gentlemen, it's quite special, right? Thank you so much. Okay, so exactly we are giving a lot of performance, we are giving many as much more performance. Tu hai kahan tu hi hai mera jahan, ma tu hai kahan tu hi hai mera jahan, ma tu hi hai mera aasma, ma जब मैं रोता हूँ तो तू हंसाती है, जब मैं भूखा रहता हूँ तो तू खिलाती है, जब मैं बारिश में भीगता हूँ तो तू मुझे बचाती है, तू खुद भूखी रह के मुझे खिलाती है. माँ तू है कहाँ तू ये मेरा जहाँ, माँ माँ तू मेरी हिम्मत है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी मोहब्बत है, तू मेरा जुनून है, माँ तू ही मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून है, माँ तू है कहाँ तू ही है मेरा जहाँ, तू ही है मेरा जहाँ. लेडीज एंड जेंटलमैन, रेस्पेक्ट योर मदर, अपनी माँ की इज्जत करिए. वो कहते हैं कि माँ कितना भी रोए, रमेश सोच की दो पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगा कि माँ कितना भी रोए उसका दामन कभी नम नहीं होता, माँ कितना भी रोए उसका दामन कभी नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी नहीं होता. माँ तू है कहाँ तू ही है मेरा जहाँ, तू ही है मेरा जहाँ. तो गाइज लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, हम अपने शब्दों से, अपने अल्फाजों से, अपनी स्पीच से, अपने भाषण से, अपनी बातों से आप तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं. मैं जानता हूं कि यहां पे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, इट्स ओके बट हमारी वीडियो हो सकता है कि मिलियन लोग देख लें. राइट, और मिलियन लोग देखेंगे अगर तो वो मिलियन लोग के दिमाग में एक सोच जाएगी, एक मोहब्बत जाएगी, एक भाईचारा जाएगा, एक तालीम शिक्षा लेने का जुनून जाएगा और एक कुछ ना कुछ नया सीखने का, नया करने का एक तरह से एक सोच जाएगी. इसीलिए आज हम यहाँ पे कर रहे हैं ये चीज़. लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स क्वाइट स्पेशल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज हियर वी आर शोइंग आवर एंथुसियाज्म, मोटिवेशन, ग्रेट इंस्पिरेशन, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रेट एजुकेशन. राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक बार अमेरिकन यूनिवर्सिटी में सर्वे हुआ कि दुनिया में लोग डरते किससे ज्यादा है, तो एक दो शब्द होते हैं, एक होता है नेक्रोफोबिया, एक होता है जो है कि आपका ये क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होता है, ये होता है ग्लॉसोफोबिया. नेक्रोफोबिया और ग्लॉसोफोबिया, नेक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, मौत से डर लगना, और ग्लॉसोफोबिया का मतलब होता है स्टेज पे बोलने से डर लगना. जितना मौत से डर नहीं लगती उतना स्टेज पे बोलने से डर लगती है, दिल धक धक करने लगा, जिया मोरा डरने लगा, और टू कम ऑन द स्टेज. सो दैट्स व्हाई आज इसी डर को निचोड़ देंगे और आपके अंदर से पूरे शब्दों को निकाल के सबके सामने रख देंगे. राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में होते हैं आशिक कई, जिंदगी में होते हैं आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता. जिंदगी में होते हैं आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता. अरे नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, पर तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं होता, तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं होता. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वॉज अ ग्रेट स्पीच बाई मिस्टर रुद्र. एग्जैक्टली वॉज टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी एंड द पेन ऑफ इंडियन आर्मी, द सेक्रीफाइस, द डेडिकेशन, द डिवोशन, द डेडिकेशन एंड द डेस्टिनेशन. एग्जैक्टली बिकॉज एज ही गेव अस, इन्होंने एक चीज बताई कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई उसको जो है कि टॉलरेट नहीं कर सकता, और 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक कोई टॉलरेट नहीं कर सकता. लेकिन हमारी भारत की सेना जो है वो बॉर्डर पर रह के, वो ग्लेशियर में रह के, वो स्नो पर रह के, वो अवलांच पर रह के, वो अलग अलग जो है कि दिशाओं में रह के हमारा प्रोटेक्शन, हमारी जो है कि रक्षा करती है, वो भारत की आर्मी होते हैं गाइस, भारत की आर्मी होते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जैक्टली दैट्स वाई आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल माई डियर लवली
friends, lovely brothers, sisters, lovely students, exactly because you are doing what you are doing great job. आज जो आप कर रहे हैं वो आप बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं. What you are doing today, you are doing better thing, most important thing, exactly, right? Okay, so I think it's Azan is doing, okay, it's 4 o'clock. Okay, no problem, we have to just, all right, Azan is going. It is a student life. A student life is one of the most important part of the life of a person. An idol, a student should try to form good habits. He must learn good manners. He has to be kind, gentle and gentle in better way. Exactly. Yes. Exactly. Better way, and he has to develop. He has body, mind and soul. He has to be hardworking. कि कहते हैं सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता की भय से अधिक होनी चाहिए. Exactly. Yes, yes, on sorry. Guys, कि कभी कभी यूँ किया करो कि छोड़ो मेरी शायरी, घर जाके कुछ किताबें पढ़ लिया करो. थैंक यू. बहुत अच्छे मतलब लेक्चरों में बात बताई थी. कोई सेल्फी ले रहा है, कोई मतलब ये अपना जो रील्स बना रहा है, ये बना रहा है, इस जगह को जो सही से ये यूटिलाइज जो कर रहा है ना, जो सही है यूटिलाइज. क्योंकि मैं यहाँ अभी से नहीं, ये पहली बार नहीं आया, मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यूट्यूबर्स हैं तो मैं इसी लाइन से, मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ. लेकिन सही यूटिलाइज मेरी नज़र में दिस पर्सन, उसका रीज़न ये है, पता है, अपने इंडिया में, क्योंकि मैं लगभग नॉर्थ इंडिया पूरा घुमा हूँ, साउथ में एक दो जगह गया हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया था, क्योंकि मैंने बहुत मतलब लाइफ में इतना एज है तो उस हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है. अपने इंडिया में यूथ में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो बोलने में हिचकिचाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंग्लिश सबसे बड़ी बीमारी बन के रह गई है. ठीक है ना, अब इंग्लिश आना या सबसे पहली बात है कि आज हम लोगों ने जो किया, व्हाट वी हैव डन, इट वाज क्वाइट स्पेशल. एंड फ्रॉम माय साइड आई वांट टू सैल्यूट एवरीवन, राइट? दिस वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड हियर एट सीपी इन न्यू दिल्ली, राइट? वी जस्ट डिड एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, एन अमेजिंग जॉब ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड मोटिवेशन सेशन. इट वाज इनक्रेडिबल. सो आई जस्ट वांट टू आस्क टू मिस्टर हरिकेश, हाउ आर यू फीलिंग दिस टाइम? आई एम फीलिंग गुड. ओके, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस? Quite well, according to me, but you will give your feedback of how was my performance. Okay, that's amazing. So I think that in this crowd, exactly, you spoke and something very special, very motivational. So how you felt after speaking, after completing my speech? I feel confident. I feel very cool. But when I came here, most of them were seeing me, glaring me, and lots of the people try to commenting me, "Hey dear, what's going on here? What hell come out from here?" But we make this session important. So do you think that, are you satisfied with the performance? Yes, sir, I satisfied my performance. How was the reaction of the people after the listen my performance? They feel that's amazing. So Mr. Harikesh shared with us that, excuse me, felt very nice, and the people's reaction were quite special because the people were paying attention exactly towards his performance, and he was speaking quite nice, and that's why he's so satisfied. Exactly, ladies and gentlemen, we have another one, and Mr. Rudra, how are you feeling this time exactly? Yes sir, I am feeling feeling not well, because first time performance I was getting nervous on the street, but I think that I can do it, and I was come on the second time and did my speech. Are you satisfied with the second performance? Yes sir, because I was getting more confidence after doing this. Okay, that's great. So he's satisfied with the second performance exactly. So you spoke about Indian Army. So do you have the jazbat and emotions of Indian Army? Yes sir, I have more enthusiasm about Indian Army. That's and great. I want to join it. Very nice. And very also nice. I am preparing for May God bless you. Let's move to Praful. How are you feeling, Mr. Praful? I am feeling excited, sir. Exactly. How was your performance? Are you satisfied? Yeah, I am satisfied because a few times my parents but this time I had roaring on the stage. Oh, you were roaring on the stage and everybody was looking and staring. Excuse me, what legend person is speaking, is talking, exactly, right? So I think that you are satisfied.
Yeah, I think that. So have you got some transformation after joining the training? Yeah, yeah. I need a transformation. Okay, you need and you are got, and now you will get again more, right? Yeah. Yeah, how are you feeling, Mr. Yes, very good feeling. All right. Are you okay? Yes, sir. Are you satisfied? Yes, sir. Are you feeling comfortable? Yes, good comfortable. Okay, that's amazing. All right. I think he has completed very few days and he gave us nice performance. God bless you. Hi, Mr. Rizwan. How are you feeling this time? बहुत अच्छा लग रहा है सर. I'm feeling great. You're feeling great. So, what was the reaction of the people that people were looking you and they were staring you? Were you not scared of that? No, मुझे डर तो नहीं लगा and they was looking me and they was clapping for me and I was speaking good and but not that much. I was just thinking that. But you were speaking good. You were speaking nice and motivational talk it was. And it yes, sir. Yeah, that was great and people just appreciate me and I want to thank to that people. Yes, thank you so much for your love. Are you satisfied with the today's performance? Yes, I'm satisfied. That's great. Yeah, Mr. Dipanshu, how are you feeling? I'm good. Actually, when I came, I feel a little bit nervous. Okay. But when I spoke, I got a confidence to speak more and more. Okay, that's amazing. So, are you comfortable today? Yes, sir. Are you satisfied? Yes, sir, 100%. Okay, that's amazing. How are you feeling, Anwar sir? बहुत बढ़िया रहा सर आज का प्रोग्राम और ऐसा मंच मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत अच्छा बोला भी और सब ने मुझे देखा भी बोलते हुए और मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट आप दोबारा से एक मीटिंग दोबारा और रखें दोबारा की जाए बार बार की जाए बार बार की जाए और हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ सब बहुत खुश हैं और हमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत वेरी गुड बहुत बड़ा है अमेजिंग अमेजिंग अनवर साहब हाउ यू फील